ओम शांति। आज शिवरात्रि के उपलक्ष में हम एक बहुत गुह्य भेद समझेंगे, क्योंकि प्रायः भारत के अंदर शिव शंकर भोलेनाथ ये कहा जाता है। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या शिव और शंकर दोनों एक ही है या अलग है? शिव को हमेशा निराकार ज्योतिर्लिंगम के रूप में दर्शाया गया है और उसी की प्रतिमा रख करके मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु शंकर को एक आकृति या देवता के रूप में दर्शाया है। तो वास्तविकता अगर देखा जाए तो एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम का स्वरूप और एक है आकारी देवता का स्वरूप। फिर जब दोनों का नाम अलग है, स्वरूप में भिन्नता है, साथ ही साथ कर्तव्य में भी भिन्नता देखने को प्राप्त होती है। शिव को कहा जाता है सदा कल्याणकारी और इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि जो अनादि सत्य है, शिवम अर्थात जो कल्याणकारी है, और सुंदरम अर्थात जो अति आकर्षणमय मूरत है। वही शंकर के लिए यही कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। तो एक है कल्याण करने वाला और एक है विनाश करने वाला, तो कर्तव्य भी अलग है। साथ ही साथ जब मनुष्य मंत्र जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और शंकर के लिए ये नहीं कहेंगे ओम नमः शंकराय, ओम नमः शिवाय जरूर कहेंगे, ओम नमः शंकराय नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार पर्व के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं और उसको आज तक किसी ने शंकर रात्रि नहीं कही है, अर्थात कि परमात्मा शिव निराकार स्वरूप इस संसार में अवतरित होते हैं तो भी अपने निराकार स्वरूप में ही अवतरित होते हैं। लेकिन हां, जो गीता के अंदर भगवान के महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। उसी अवतरण का यादगार शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और ये शिवरात्रि भी कोई 24 घंटे वाले दिन और रात की बात नहीं है, परंतु जब संसार के अंदर अज्ञानता की घोर अंधेरी रात छा जाती है, अर्थात जिसको दूसरे शब्द में कहा ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, चतुर्युग में सत्युग और त्रेतायुग को ब्रह्मा का दिन माना गया है और द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है, और कलयुग माना जो घोर रात्रि का समय अज्ञानता का, ऐसे समय पर ही परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। इसीलिए शिव के साथ जब ओम नमः शिवाय कहा या शिव परमात्माय नमः कह करके याद करते हैं, और शंकर के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। ये स्पष्ट है कि परमात्मा शिव के लिए जब कहा शिव परमात्मा नमः तो परमात्मा है और शंकर देवता है। साथ ही साथ शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान करते हैं? कहा जाता कैलाश पर्वत पर उन्होंने बैठ करके कितने सालों
ध्यान किया, तपस्या किया। किसकी किया? कैलाश की। अर्थात स्वयं शंकर ने भी शिव का ध्यान किया। अब शंकर को क्या आवश्यकता थी शिव का ध्यान करने की? तो कहा जाता कि शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों का स्रोत है, दाता है। तो शंकर को जब ये कार्य दिया गया था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो नेचुरल है कि कितनी प्रचंड शक्ति अपने में हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए उन्होंने कई सालों तक शिव का ध्यान करके उस सर्वशक्तिमान से वो शक्ति को प्राप्त किया जिससे आंख खोलते ही महाविनाश कर सके। इसीलिए शिव परमात्मा को कहा जाता है करण करावनहार, अर्थात वो त्रिमूर्ति के द्वारा अपने दिव्य कार्य कराते हैं। शिव परमात्मा के लिए तो यही कहा जाता वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो खुद कोई कार्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, और इसीलिए उन्होंने ये तीन मूर्तियों की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके द्वारा अपना तीनों कार्य कराया। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सर्जना का कार्य, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश का कार्य, और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। कराने वाला कौन? वो शिव परमात्मा। तो ये तीन मूर्तियों के द्वारा उन्होंने अपने दिव्य कार्य कराए। जिस तरह दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री के अंदर एक डिफेंस का पोर्टफोलियो होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्ट्री का सारा कंट्रोलिंग, जहां प्राइम मिनिस्टर रूल है वहां प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, या जहां प्रेसिडेंट रूल होता है वहां प्रेसिडेंट के हाथ में है। ये नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर अपने आप से कोई भी फैसला ले सके, नहीं। जब तक ऊपर से ऑर्डर्स न मिले तब तक डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यही कहेंगे आज के युग के हिसाब से कि शंकर के पास भी डिफेंस का पोर्टफोलियो था, लेकिन शंकर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। जब तक परमात्मा शिव का निर्देश प्राप्त न हो तब तक वह विनाश का, महापरिवर्तन का कार्य भी इस संसार में अपने आप से नहीं कर सकता है कि जब चाहे तब कर ले। इसीलिए कहा कि शिव और शंकर दोनों में महान अंतर है। शिव के लिए हर एक धर्म में भी मान्यता दिखाई गई है, साथ ही साथ भारत के अंदर भी ये कहा जाता है कि जब अमरनाथ पर लोग जाते हैं तो अमरनाथ का महत्व क्या है, तो कहते हैं वहां शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। अब अगर शंकर स्वयं ही शिव हो तो यही कहना चाहिए कि उसने स्वयं की कथा सुनाई? नहीं, शंकर ने अमरनाथ की कथा पार्वती जी को सुनाई। तो जरूर है शंकर और अमरनाथ अलग है, तभी तो शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते हैं। भावार्थ ये है कि शिव और शंकर दोनों अलग है। शिव के ऊपर हमेशा तीन लकीर होती है, ये तीन लकीर अर्थात जो आदि, मध्य, अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जानने वाला, उसकी पूजा में बैलपत्र चढ़ाए जाते हैं, अर्थात जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए। भावार्थ यही कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के
रचयिता है। खुद रचयिता होने के कारण ये तीनों उसकी प्रथम रचना मानी जाती है। तो शिव रचयिता है, शंकर उसकी रचना है, ये महान अंतर। और इसीलिए जब भी दिखाते हैं कि शंकर का परिवार अर्थात शंकर, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी चारों मिलकर के शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो उनके भी आराध्य देव हुए जिसकी पूजा उन्होंने किया। तो दोनों एक नहीं, अलग है। अच्छा, ओम शांति।